बोलो मुझे ना आपको एक बात बतानी है, क्या बतानी है बताओ। बट आप गुस्सा नहीं करोगे। मैं क्यों गुस्सा करूंगा, गुस्से वाली बात होगी तो गुस्सा करूंगा वरना नहीं करूंगा। नहीं गुस्से वाली बात नहीं है, बट आप गुस्सा मत करना, आर्गुमेंट भी मत करना, कुछ भी मत करना, बस आप मेरी प्यार से बात सुन लेना। ठीक है प्यार से बात सुन लूंगा, बोलो। पक्का बता दूं ना? बाबा बताओ ना, आर्गुमेंट नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, प्यार से बात सुन लूंगा, बताओ। मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्या मेरी शादी फिक्स हो गई है? शादी फिक्स हो गई है? हाँ हंसू हंसू नहीं, मैं नहीं। सीरियस। आपने मुझे पहली बोल दी गुस्सा नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना, ये सुनने के बाद मैं क्या रिएक्शन दूं मुझे बता दो। क्या मजाक वजाक कर रही हो, मेरी शादी तय हो गई अभी तो, तुमने कही थी कुछ दिन पहले कि मेरी अभी स्टडी कंप्लीट है, घर में मेरी शादी की दूर दूर तक बातें चल रही, एकदम से मेरी शादी तय हो गई है, ना लड़का देखने आया ना कुछ, सीधा शादी तय हो गई है। भाई कब हुआ ये सब? और अब मैं गुस्सा भी नहीं करूं, आर्गुमेंट भी नहीं करूं, पागल वागल हो क्या? बिल्कुल ही, मैंने कह रहा था इतने टाइम से कह रहा था कि घर में बता दो, घर में बता दो। अरे बता क्या बात, क्या सुनूं यार तुम्हारी, कब से मैं कह रहा था घर में मेरे बारे में बता दो, मेरे बारे में बता दो। नहीं स्टडी करनी, चिल्लाना बंद करोगे तो मैं कुछ बोलूंगी। नहीं चिल्ला रहा, मतलब क्या यार, मेरी बात तो सुनो फिर ही तो मैं बताऊंगी। हाँ मैं, तुमने ना कुछ बताया कि लड़का देखने आया ना कुछ, कुछ भी, एकदम से शादी फिक्स हो गई। अरे यार लड्डू है क्या, एकदम से शादी फिक्स हो गई? तो मुझे भी तो एकदम से पता चला ना कि ये सब हो रहा है। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई और तुम्हें पता चल रहा है एकदम से? हाँ ये सब अचानक ही हुआ, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी शादी फिक्स हो जाएगी इतनी जल्दी। एक मिनट मजाक कर रही हो तो बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा मजाक है। मैं सही, तुम्हें लगता है इस बात का मैं मजाक करूंगी? सीरियसली हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे थोड़े दिन पहले बोला था कि हाँ मुझे अभी स्टडी करनी है, मुझे जॉब भी करना है और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुमने लाइफ कही में करनी थी दूर दूर तक, मतलब शादी की तुम्हारे घर में बात ही नहीं हो रही यार। और एक बात बताओ, मतलब इतनी जल्दी लड़का देखा और शादी तक और फिक्स भी, यार इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो हमारी बात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, एकदम से लड़के वाले आए आज और शादी फिक्स करके चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल यार, तुम मजाक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेरी बात तो सुन लो, पापा काफी टाइम पहले से देख रहे थे मेरे लड़का, बट मुझे नहीं बताया गया था, मेरे लिए एक सरप्राइज था ये। व्हाट यू मीन, एक मिनट एक मिनट, यार शादी है, व्हाट यू मीन सरप्राइज, बर्थडे है क्या जो गिफ्ट में सरप्राइज होती है? यार शादी है, कोई दूल्हा सरप्राइज में कौन देता है? तुम्हारी फैमिली है जो क्या है, पापा सरप्राइज में तुम्हें दूल्हा दे रहे हैं? अरे कहने का मतलब ये है कि पापा ने बताया नहीं था कि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पापा ने रिश्ता ढूंढ लिया, जब सब कुछ फिक्स हो गया उसके बाद मुझे लास्ट मोमेंट बताया कि तेरे लिए हमने रिश्ता देख लिया है, लड़का भी बहुत अच्छा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है। वाह, मतलब ना तुमसे पूछी गई, ना तुम्हें लड़का दिखाया गया, ना उन्होंने तुम्हें देखा, ना तुमने उनको देखा और शादी फिक्स हो गई। गवर्नमेंट जॉब का अचार डालें, गवर्नमेंट जॉब का नहीं, बॉटी में अचार डालें। देखा है लड़का मैंने भी, तो मना कर दो ना, ऐसा सिंपल मना कर दो। यार मैं अपनी फैमिली का दिल कैसे तोड़ दूं, अपने पापा का दिल कैसे तोड़ दूं, मम्मी पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। मेरे अंदर भी एक दिल है यार, प्लीज बोल दो ये सब मजाक कर रही हो, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ। मतलब यार ठीक है, अगर मजाक भी कर रही हो ना, मैं रो लेता हूँ तुम्हारे सामने, जो तुम बोलोगी वो कर लूँ, लेकिन प्लीज बोल दो ये मजाक है, प्लीज यार। ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट अपने पापा के भी तो दिल नहीं तोड़ सकती ना, ये भी तो बात। मैडम रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, सिंपल सा है, पहले तो ये मेलोडी ड्रामा बंद करो और मुझे सही सही बताओ ये सीरियस बात है या मजाक कर रही हो? शादी की बात मैं मजाक में बोलूंगी, तुम्हें लगता है कि ये बात मैं मजाक कर रही हूं? तो मेरी माँ प्लीज यार अपनी फैमिली को बता दो मेरे बारे में, उनसे कह दो तुम किसी और से प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो, ऐसा सिंपल यार, तुम किसी और से ऐसे कहते हाँ बोल दोगी? जिस टाइप का लड़का देखा है, जिस टाइप का फैमिली कल्चर देखा है, उस टाइप से मुझे पता है कि मेरे पापा आपसे कभी शादी नहीं करा पाएंगे, और ये सब जानते हुए, ये सब देखते हुए मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये बात बता दूं। तुम्हें लड़का पसंद आ गया है क्या? मम्मी पापा नहीं तुम्हें अरे व्हाट यू मीन हाँ कर दी यार, मजाक है क्या? हमारे इतने टाइम का रिलेशनशिप, मैंने हाँ कर दी, देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे अरे यार मम्मी पापा ठीक है यार, मैं मानता हूँ उनका दिल है यार, मेरी बात सुनो, ठीक है मम्मी पापा का दिल है, उनकी फीलिंग्स है, लेकिन यार मेरी भी तो फीलिंग्स है, मेरा भी तो दिल है यार, तुम मेरा दिल ऐसे कैसे तोड़ दोगे? मतलब शादी, तुम पता है मेरी पूरी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता है, शादी तक की बात छिड़ चुके, एकदम से सडनली तुम्हारी फैमिली ऐसे कैसे शादी करा सकती है यार? बात तो समझो, देखो सिंपल सी बात यार, तुमने फैमिली को बैठ के मेरे बारे में बताओ, एक बार मीटिंग तय करो, उनको कैसे भी कन्वेंस करो, मुझे नहीं पता यार, पूरी लाइफ का सवाल है, प्लीज ऐसे हवा में फैसले मत लो, क्या हम मेरी मम्मी पापा को बुरा लेगा प्लीज? बात सिर्फ 3 साल का है, हम तो एक दूसरे को भूल जाएंगे, बट मेरी कितना, फैमिली कितना? से सिर्फ 3 साल, सिर्फ मेरे बचपन से रिश्ता है, उनका दिल कैसे तोड़ दूं? तो यार मैं कब मना कर रहा हूँ, उनका दिल तोड़ दूं, मैंने कब मना की? हमारे बारे में भी तो नहीं बता सकती ना, उन्होंने जिस टाइप का लड़का ढूंढा उस टाइप की तो व्हाट यू मीन यार, जिस टाइप का क्या क्वालिटी है उसमें बताना है जो मेरे, मैं संस्कारी नहीं हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी है, आलीशान घर भी है, कार भी है। अरे यार कंपेयर तो ठीक से, पढ़ा लिखा भी है। अरे मुझे कंपेयर तो करने दो यार खुद से, देखो संस्कारी तो मैं भी हूँ, ये बात तो मानती हो, मानती हो?
हाँ चलो सरकारी जॉब बन जाएगी यार, सरकारी जॉब बन जाएगी। बन जाएगी और बन गई, मैं बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैं बिजनेस करता हूँ ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन भी तो है। बिजनेस में घाटा मुनाफा चलता रहता है, तुम्हारे तो ज्यादातर घाटा ही घाटा होता रहता है। मेरे पापा को ऐसा दामाद नहीं चाहिए जिसके बिजनेस में घाटे ही घाटे हो। यार एक बात बताओ, तुम यार उससे लड़के से शादी कर रही हो या सरकारी जॉब से शादी कर रही हो? तुम्हारे पापा शादी किससे करा रहे हैं? पापा ने शायद डेट भी फिक्स कर दिया अगले हफ्ते की, एंगेजमेंट भी साथ में और शादी भी साथ में। यार प्लीज प्लीज यार फालतू की बातें मत करो, मैं कसम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज यार मेरी बात समझो, कैसे भी करो बस उनसे बोल दो, अपनी फैमिली को बता दो यार, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, अपनी फैमिली को बता दो यार मेरे बारे में, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज यार पापा से कम एक बार मेरी मीटिंग ही तय करवा दो, बातचीत करवा दो, कुछ तो करवा दो। ऐसे कैसे मतलब कल तक कुछ नहीं था, कल हमने बात की थी, अच्छे से बात की थी, कुछ भी नहीं था, एकदम सडनली शादी। मतलब यार एक तो मैं एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? डेट फिक्स हो गई, ये हो गया, मतलब एक दिन में इतना सब कैसे हो जाएगा यार? अपने पापा को समझाओ यार, कब से मैं तुम्हें बोल रहा था कि मेरे बारे में बता दो यार, कुछ भी करो तो क्या बता दी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, ये बोलते कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड की सरकारी नौकरी है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। पापा पूछते कि अरे एक सरकारी नौकरी सब कुछ है क्या यार? प्यार व्यार कुछ है नहीं है? और ऐसा तो है नहीं मैं बिल्कुल कमाता ही नहीं हूँ, कमाता तो हूँ ना, ऐसी बात तो है नहीं, बिल्कुल ही रोड पे हूँ, कमाता हूँ, अपना घर है, और क्या चाहिए? जरूरी है सरकारी नौकरी वालों की शादी होगी? जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी शादी नहीं होगी? वो कुंवारे मरे आएंगे? अरे ये कहाँ का लॉजिक है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी है तो शादी होगी, सरकारी नौकरी नहीं है तो बेटा तू रह, तू कुंवारा ही मरेगा, तू मतलब शादी नहीं हो पाएगी तेरी, व्हाट यू मीन? कहाँ का लॉजिक लगा रही हो? तुम्हारे पापा को समझाओ यार कि सरकारी जॉब सब कुछ नहीं होता है यार, प्यार भी कुछ होता है, और प्लीज ना यार कुछ करो। अब मैं पापा को बताती हूँ, अगर हम वो रिश्ता तोड़ते हैं पापा, तो पापा की बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा की इंसल्ट हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कार्ड छप गए हैं। उमंग शादी तो तय हो गई है ना हमारी भाई, दो घरों के बीच शादी तय हुई है, दो घरों के बीच ही टूट जाएगी, घर की बात घर में रहेगी। हमारे घर की बात तो हमारे घर में रहेगी, पर पड़ोस के घर की बात पता तो नहीं है ना कि वो पड़ोस के घर की पड़ोस को बताएगा, ये तो नहीं पता है ना। अरे यार मेरी माँ, पड़ोस अड़ोस सड़ोस मत देखो, इधर मेरे को देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, नहीं रह पाऊंगा, प्लीज बात समझो। एक दिन में एकदम से मतलब कल सब कुछ ठीक था एकदम में ऐसा, प्लीज बात समझो यार, मैं नहीं रह पाऊंगा। तुमसे अगर बात नहीं हो पा रही, मैं घर पे आके तुम्हारे बात करूंगा, फिर मुझे मत कहना तुम ये क्या कर रहे हो, मैं आज ही घर पे आ रहा हूँ। मेरे को नहीं पता यार ऐसे कैसे मजाक चल रही है कि सरकारी नौकरी है तो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। यार प्यार करता हूँ यार, मेरी फीलिंग मेरा प्यार कुछ नहीं है क्या? बस एक सरकारी नौकरी है तो मतलब सब कुछ है, सरकारी नौकरी नहीं है तो नहीं भाई, प्यार व्यार कुछ नहीं है यार। ऐसी बात तो है नहीं, कमाता नहीं यार, कमाता तो हूँ ना, प्लीज ना यार। शादी तो तय हो चुकी है ना, अब तो शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी तो मेरे पापा का दिल टूट जाएगा, मेरी मम्मी का सपना टूट जाएगा। इतनी जल्दी उन्होंने सपने भी देख लिए तो भाई मैं शादी के लिए कम मना कर रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो ना। नहीं, उस लड़के से करनी पड़ेगी जो लड़का पापा ने देखा है। एक मिनट, एक दिन में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? लड़का भी देख लिया, तुमने देख लिया लड़का? तुमने इतना भी पता है कि लड़का अच्छा है? फालतू की बात कर रही हो, लड़का भी अच्छा है, हाँ तो फोटो में देखा तुमने, पता भी चल गई लड़का अच्छा है। मैं बुरा हूँ? मैं तो नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ कसम से भाई, मैं तो रोड पे आते आते लोगों को लट्ठों से मारता हूँ, है ना? हंस रही हो? ये मजाक है? नहीं मजाक है, ये मजाक चल रही है? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ भाई, कतई लोगों को घर में घुस घुस के मार के आता हूँ ना, मैं तो कतई बुरा हूँ भाई, लोगों की जेब काट लेता हूँ, है ना? मैं तो संस्कारी भी नहीं हूँ, है ना? मैं तो किसी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ये कमाता ही नहीं हूँ, लड़ुआ हूँ। अरे यार वही बात कर रही हूँ यार, सारी क्वालिटी तुम ही बोल रहे हो यार, फिर मैं क्या बोलूँ? मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा? सारी खूबियाँ। एक मिनट, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ रिश्ता तय हुआ है कि नहीं? तुम्हें मेरी कसम है, कुछ भी नहीं, तुम्हें सीधा मेरी कसम है, बस तुम्हें मेरी कसम है, अब रिश्ता तय हुआ है कि ऐसी कुछ बोल रही हो? तुम्हें मेरी जान की कसम है, जान की कसम बता रहा हूँ। कसम क्यों दी यार? तुम्हें मेरी जान की कसम है, बताओ सही, सच जो भी सच है वो बताओ यार, प्लीज यार, मैं प्लीज यार बात समझो यार, प्लीज। मजाक अपनी जगह है लेकिन शादी बात नहीं यार, प्लीज समझती हो ना, प्यार करता हूँ, नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। मजाक जो भी है वो अपनी जगह यार, प्लीज। कैसा लगा मजाक? समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाली बकू। क्या हो गया? मतलब क्या था ये? मजाक नहीं, व्हाट यू मीन क्या था ये? जस्ट शट अप, व्हाट यू मीन प्रैंक? अरे यार मैं सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, मतलब ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार नहीं करते हो। नहीं मैंने मतलब एक प्रैंक क्या कर लिया तुम्हारे साथ, तो इतना घटिया प्रैंक कर लिया मैंने, सिर्फ एक एक्सीडेंट का प्रैंक किया था, तुमने सीधा दूर होने का प्रैंक कर लिया। अरे यार मैं कभी माफ नहीं करूंगा। पता चला कि प्रैंक होता तो कैसे लगता है, कैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की नौबत आ जाती है, सांसें अटक जाती है, पानी गले से नीचे नहीं उतरता, कितना बुरा लगता है। मेरा प्रैंक इतना भी बुरा नहीं था यार, तो यार तो सीधा मतलब
ऐसा प्रैंक कौन करता है यार। मैं तो तुमसे बोला था ना कि मैं रिवेंज लूंगी, रिवेंज ले लिया मैंने। कैसा लगा? एक अच्छा पहले ये बताओ कि कैसा लगा, फीलिंग कैसी आई तुम्हें? फीलिंग ऐसी आई ना, मन कर रहा है तुम्हारे सामने आके तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। क्यों यार, तुमने कल ऐसा प्रैंक किया था इतना घटिया मेरे संग, तब तुम्हें अच्छा लग रहा था, वैसे तुम हंस रहे थे। वैसे ये प्रैंक इससे पहले सच हो जाए, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पापा को हम दोनों के बारे में बताई दूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ जरूरत नहीं बताने। नहीं नहीं नहीं, मैं बताई दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पे उनका नंबर भी है। मैं नहीं 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 मत करना। नहीं नहीं बेकार में, किसी दिन ये प्रैंक सच हो जाएगा भाई मैं तो लटक जाऊंगा। प्रैंक करके कैसा लगा आपको? ओके, हकीकत लग रहा था या मजाक लग रहा था ये बताओ पहले जी। अब तुम मिलोगी ना तब पता लगेगा तुम्हें कितना हकीकत कितना मजाक। मैं कसम से इतना गुस्सा आ रही है ना मुझे। छोड़ यार, मैं तो प्रैंक कर रही थी ना, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम ऐसे ऐसा आइडिया कहाँ से लाई? कुछ और कर लेती प्रैंक में, कुछ भी कर लेती। इतना घटिया आइडिया, बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही बेकार प्रैंक था, बहुत ही बेकार। वो जो तुमने मुझसे मेरे संग प्रैंक किया था वो भी बहुत ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा बेकार था, वाहियात प्रैंक था वो भी। वो फिर भी ठीक था? नहीं, वो ठीक था, और जो मैंने किया वो गलत। वो तो यार ये तो सही बात है, जो तुम करो वो सही और मैं जो करूँ वो गलत। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली मतलब मान जाएगी ना मेरे लिए? व्हाट यू मीन, पता नहीं आप प्रैंक से हटिया, सीरियसली मुझे बता दो यार, दिमाग खराब मत करो। मैं कसम से दिमाग खराब हो गया मैं, अब मेरे को मतलब ये अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर ये सही में रियल हो गया और तुम्हारा प्रैंक नहीं है सच होता तो क्या ही होता मतलब यार। पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, बट मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी मनाने की। मैं भी चाहती हूँ कि देखो यार ये प्रैंक अपनी जगह है, लेकिन अब सिंपल थी मेरी एक रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर लो, अपने घर में बता दो हमारे बारे में प्लीज। अभी नहीं बता सकती ना, अभी नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यार, मेरा सब कुछ रह गया, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत कुछ करना है। तो शादी कब करोगी यार? तुम्हें बहुत कुछ करना है, एक शादी को छोड़ के तुम्हें सब कुछ करना है। शादी भी कर लेंगे ना यार, शादी कौन सी भागी जा रही है, एक ना एक दिन तो शादी ना, बुढ़ापा आ जाएगा मेरा और तुम ऐसी प्रैंक हो कर करके मेरी किसी दिन। अभी सोचो तुम बिल्कुल ही मतलब मेरे पे दया नहीं है, तुम ऐसा प्रैंक कर रही हो, मेरा हार्ट फेल हो जाता, मुझे कुछ हो जाता तो। सेम सेम सेम, यही सब बातें मैं बोलूंगी, तुम मेरे संग कल प्रैंक कर रहे थे और मेरा हार्ट फेल हो जाता तो तुम्हें मेरे पे बिल्कुल दया नहीं है, बिल्कुल। तुम्हारे अंदर हार्ट है? हार्ट होता तो ऐसा गंदा प्रैंक नहीं करती मैं। तुम्हारे अंदर ऐसा हार्ट होता ना तो तुम मेरे संग गंदा प्रैंक नहीं करते। मैं तो सिर्फ अपने एक्सीडेंट का प्रैंक किया था, तुमने मेरे से दूर होने का प्रैंक किया था। दूर होने का मतलब समझती हो? नहीं, तुम समझोगी भी नहीं, प्यार नहीं करती यार। मैं सिर्फ प्रैंक कर रही थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार? सॉरी बोलो पहले। सॉरी क्यों बोलूं, तुमने कल मुझसे सॉरी बोला था प्रैंक करने के बाद? आई थिंक बोला था। नहीं बोला था, मुझे याद है मैंने बोला था। नहीं बोला था, मैंने बोला था सॉरी सॉरी ऐसे करके। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छे से सॉरी बोलो। तुमने भी ऐसे बोला था सॉरी सॉरी, मैंने भी बोल दिया सॉरी, मैंने तो अच्छे से बोला। प्रॉमिस करो आइंदा ऐसा गंदा प्रैंक नहीं करोगी। सोचूंगी नहीं, मैं कोई भी प्रैंक कर लेना, मैं कोई भी प्रैंक तुम्हारा बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा। पहले तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मेरे संग कोई प्रैंक नहीं करोगे। मैं ऐसा शादी वाला प्रैंक कभी नहीं करूंगा। कैसा भी प्रैंक नहीं करोगे? कैसा भी कह नहीं सकता, लेकिन शादी वाला प्रैंक नहीं करूंगा। मैं शादी वाला प्रैंक नहीं करूंगी, कैसा भी प्रैंक कर सकती हूं। हां हां, शादी वाला प्रैंक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तो कर चुकी ना, अब तुम बार बार क्या करोगे उसे? हां यार, जान निकल गई थी सही में। और कोई भी प्रैंक कर लो। एक्सीडेंट का प्रैंक किया था, मेरी भी जान निकल गई थी। हाँ ठीक है, जॉइन निकल गई थी। हाँ, आप खुद के लिए तो ठीक है हो जाता, और मेरे लिए नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। अच्छा अब सुनो, चलो अब मेरे को थोड़ी मतलब चैन मिला, अब मैं थोड़ा खाना वाना खाऊंगा यार। क्यों भूख लगाई ना तुम्हारी, इतनी बातें सुन के एकदम से अंदर इंसान के डर होता है ना, तो उसके भूख बहुत आ जाती है। समझ रही हूं आपकी मन की फीलिंग, समझ रही हूं। आप खाना खा लीजिए, ठीक है? और दोबारा ऐसा कभी गंदा प्रैंक मत करना। और मैं सोच रहा हूं तुम्हारे भाई का भी नंबर है, पापा का ही नंबर है, व्हाट्सएप कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है व्हाट्सएप करने की। तो शादी के लिए तो मना ही करोगी कि ये शादी नहीं करोगी, प्रॉमिस कर लूँ मुझसे? आपको क्या लगता है मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी, सीरियसली? हाँ बस यही सुनना था। चलो बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। अच्छा सुनो, बोलो। बाय।